वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी की क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली। यानी जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसके पार्ट वन और पार्ट टू में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट वन में आपके 5 क्वेश्चन हैं और पार्ट टू में आपके 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल टोटल हमें 8 क्वेश्चन का आंसर करना है। कितने क्वेश्चन का? तो 8 क्वेश्चन का हमें आंसर करने के लिए बोला गया है। फिर आगे क्या बोलता है कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। दो पार्ट हमारे पास हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, तो दोनों ही पार्ट में से कम हमें 3-3 क्वेश्चन तो सेलेक्ट करने ही करने हैं। यानी पार्ट वन में से 3 क्वेश्चन करना आपका कंपलसरी है, पार्ट टू में से भी 3 क्वेश्चन करना आपका समझ लो कंपलसरी है। बाकी बात की मर्जी है कि बाकी जो आपके पास 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, उनको आप चाहो तो पार्ट वन से करो, चाहो तो पार्ट टू से करो, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। स्टूडेंट कितने तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है? तो देखो आप क्वेश्चन दोबारा एक बार क्वेश्चन समझ लें कि अपने पास 12 क्वेश्चन है, पार्ट वन में 5 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन पार्ट टू में है। हमें 8 क्वेश्चन का आंसर करना है और हमें बोला गया कि आपको हर एक पार्ट से कम 3 क्वेश्चन लेने हैं, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पेपर को कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो? तो जैसे देखो क्या हो सकता है कि 3 क्वेश्चन तो यहाँ से लेना कंपलसरी है, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी लेना कंपलसरी है। अब अपने पास बचा क्या? 2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करना है ना, तो 6 तो ये हो गए, 2 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ इस तरीके से पेपर का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चन हमने पार्ट वन में, केस वन हमारा कि 3 क्वेश्चन हम पार्ट वन से करेंगे और 5 क्वेश्चन हम पार्ट टू से करेंगे, 8 क्वेश्चन हमारे हो गए। सेकंड केस क्या हो सकता है कि हम 4 क्वेश्चन पार्ट वन से करेंगे और 4 ही क्वेश्चन पार्ट टू से करेंगे, 4 ही क्वेश्चन पार्ट टू से करेंगे। और थर्ड केस क्या हो सकता है कि हम 5 क्वेश्चन पार्ट वन से करेंगे, 3 क्वेश्चन हम पार्ट टू से करेंगे, ठीक है। तो ये 3 केस अपने पास हैं, इससे ज़्यादा कोई तरीका और बनने वाला नहीं है, 3 चांसेस हैं अपने पास, ठीक है। ये 3 तरीके हैं अपने पास, इन 3 तरीकों से आप क्वेश्चन पेपर का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं, इसका डिटेल स्टेप लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने हैं हमें? 12 करने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 केस हैं, तो केस ए पहला केस इसका नाम देते हैं केस वन, केस फर्स्ट। थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट वन एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी, पार्ट टू, फ्रॉम पार्ट टू, ठीक है। तो केस वन हमारा ही हो गया ना, 3 क्वेश्चन वो पार्ट वन से करेगा और 5 क्वेश्चन पार्ट टू से करेगा। तो 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट वन एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट टू कैन बी सेलेक्टेड इन। तो 3 क्वेश्चन हमें लेना है 5 में से, कैन बी सेलेक्टेड इन 3 5C3 इंटू में हमें 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन लेने हैं 7C5 वेज, ठीक है। कि 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट वन एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट टू कैन बी सेलेक्टेड इन 5C3 इंटू 7C5 वेज, ठीक है। केस वन में मान लो हमने क्या बोला है कि पार्ट वन से वो 3 क्वेश्चन करेगा एंड पार्ट टू से वो 5 क्वेश्चन करेगा, तो इसको हमने निकाल दिया, इसका हमने कम्बिनेशन निकाल लिया। सेकेंड केस हमारा बनता है केस टू। केस टू में क्या है कि पार्ट वन से वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा एंड पार्ट टू से भी वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। तो फोर क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट वन एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकेंड कैन बी सेलेक्टेड इन 5C4 इंटू 7C4 वेज, ठीक है। 5C4 इंटू 7C4 वेज, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये हमारा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड केस थ्री आपका जो थर्ड केस बनता है इसी क्वेश्चन का, थर्ड केस क्या बनता है हमारा, हम ऐसा कहते हैं कि वो क्या करेगा कि पार्ट वन से
पांच क्वेश्चन करेगा एंड पार्ट टू से वो तीन क्वेश्चन करेगा। तो हम लिखते हैं ना कि फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट वन एंड थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट टू कैन बी सेलेक्टेड इन 5C5 * में 7C3 वेज। ठीक है, देखो तीन तरीके हैं अपने पास पेपर अटेम्प्ट करने के, तो तीनों तरीके तो एक साथ होंगे नहीं। अगर हम पहला करेंगे तो बाकी दो नहीं कर पाएंगे, दूसरा करेंगे तो हम पहला और तीसरा नहीं कर सकते हैं, और अगर हम तीसरा तरीका सेलेक्ट करते हैं तो हम फर्स्ट और सेकेंड नहीं कर पाएंगे। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, या फिर बाई एडिशन प्रिंसिपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा आपका, तीनों का सम पहला दूसरा और तीसरा का सम, यानी कि क्या होगा, तो 5C3 * 7C5 + 5C4 * 7C4 + 5C5 * 7C3। इतने तरीके से आप अपना कह लो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको तीनों को फाइंड करके आपको क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। तो कैसे आप करोगे, तो अब हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। तो 5 * 3 * 2 * 3 * 7 * 7 में से 5 माइनस कर लो, 2 * 5 + अब आपका है 5C4, तो 5 * 1 * 4 * 7 * 7 में से 4 माइनस करोगे, 3 * 4 + अब यहाँ पे 5C5, तो 5 * 0 * 5 * 7 * 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 * 3 * अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा, सॉल्व करके इनको हम आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं, मैं एक एक करके करता हूँ। पहले इसको सॉल्व करते हैं 5 * तो पहले वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा पहला है ना 5 * जब हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो आप लोग 5 * 4 * 3 * 2 * 3 * 7 * 6 * 5 * 2 * 1 * 5 * तो ये आपका 5 से 5 * कैंसिल, 2 से आपका है 3 टाइम्स में कैंसिल, यहाँ आपका है 3 * 3 * कैंसिल, और 2 से आपका है 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी 2 * 5 = 10, और ये आपको 7 * 3 मिल गया 21। तो इस वाले को सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिला, तो हमें मिला 210 प्लस। अब दूसरे वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि 5 * 1 * 4 * तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, तो 5 * 4 * 1 * 4 * 7 है तो 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 * 4 * देखो मैंने इसको सॉल्व किया है, ये आपका 4 * 4 * कैंसिल, 3 * 2 आपका 6 कैंसिल, 4 * यहाँ भी आपका 4 * कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है, तो 5 * 35 जो कि आपको मिल जाएगा जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 175 प्लस। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा है ये सब, थर्ड वाला उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देन इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 * 5 * तो यहाँ तो आपका ऐसा ही हो गया 1 * 7 * 6 * 5 * 4 * डिवाइडेड बाई, देखो सेम यही वाला है सेकेंड पार्ट, डिवाइडेड बाई 3 * 2 * 1 * 4 * तो ये आपका इससे कैंसिल, 3 * 2 = 6 कैंसिल, तो 1 * 35 हमें अगेन मिल गया 35, तो प्लस कर लेंगे 35। तो जब हम तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है 420। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप बच्चों के सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8।
तो अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर एट इसमें मैं दिया है डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ़ ईच सेलेक्शन ऑफ फाइव कार्ड्स हैव एग्जैक्टली वन किंग। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली वन किंग होना ही चाहिए, ठीक है। देखो आपके पास होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा 52 कार्ड्स का डेक है उसमें 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से चार हमारे पास किंग होते हैं। कितने किंग होते हैं? चार किंग होते हैं, बाकी 48 हमारे अदर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और आपको फाइव कार्ड का कम्बिनेशन पता करना है जिसमें एक किंग हमें फिक्स कर दिया गया, एक 100% किंग होना चाहिए, बाकी हमारे जो फोर कार्ड्स हैं वो अदर कार्ड्स होंगे, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपके डेक ऑफ 52 कार्ड्स में चार हमारे किंग होते हैं, तो वन किंग, क्वेश्चन नंबर एट का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, तो वन किंग आउट ऑफ फोर किंग्स कैन बी सेलेक्टेड इन फोर सी वन वेज, ठीक है। तो हमने किंग का सिलेक्शन तो पता कर लिया, अब हमें अदर चार कार्ड सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन कितने अपने पास हैं? तो 48 हैं, तो फोर कार्ड्स, रिमेनिंग फोर कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 48 कार्ड्स इन 48C4 ways। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ फाइव कार्ड कम्बिनेशन मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ फाइव कार्ड कम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 4C1 इंटू में 48C4। तो इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? तो 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू में 48 फैक्टोरियल बाई 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 4 × 3 × 1 × 3 × 48 × 47 × 46 × 45 × 44 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 44 से आपका 44 कैंसिल, ठीक है। 4 × 3 जब इनसे आप डिवाइड करो 24 से आपका 2 टाइम्स में कैंसिल, 3 × 3 आपका 3 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा है? तो 4 × 2 × 47 × 46 × 45। तो जो आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है, आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमें इन सबको मल्टीप्लाई करने पे जो रिक्वायर्ड आंसर मिला वो क्या मिला? 7 7 8 3 2 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन रहा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।